हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज एक नए फैक्ट्स के साथ, आज एक नई साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत बार मन में एक थॉट आता है कि एरोप्लेन उड़ता कैसे है। इतना ज़्यादा वजन होने के कारण 300 to 400 पैसेंजर्स के साथ उनका लगेज लेके कैसे वो फ्लाई कर पाता है इतनी हाइट। कभी हमारे मन में थॉट आता है कि एक पक्षी कैसे उड़ता है, क्या अपने आप को लिफ्ट करने के लिए उसके पास कोई मैकेनिज्म है या कोई मैजिक। हाँ दोस्तों, यही साइंस है। तो दोस्तों, आपने कभी प्लेन को बहुत ध्यान से देखा है? उसमें विंग्स होते हैं एंड विंग्स के नीचे ये जो होते हैं प्रोपेलर्स होते हैं। विंग्स के नीचे प्रोपेलर्स होते हैं। ये प्रोपेलर क्या करते होंगे? क्या ये प्रोपेलर प्लेन को लिफ्ट करते हैं? क्या काम करते होंगे ये प्रोपेलर? इन प्रोपेलर्स का एग्जैक्ट वर्क क्या है? तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इस साइंस को कि हाउ, कैसे ये एरोप्लेन इतना वजन होने के बाद भी हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ पाता है। दोस्तों, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया मशहूर साइंटिस्ट बर्नौली ने। उन्होंने बताया कि किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होगा। यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो उस पार्ट की वेलोसिटी कम होगी, एंड यदि वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस पार्ट का प्रेशर कम होगा। जो विंग्स होते हैं एरोप्लेन के, वो एरोफॉइल शेप के होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब हवा का फ्लो होता है, जब प्लेन आगे की ओर बढ़ता है, तब क्या होता है कि ऊपर के पार्ट की, विंग के ऊपर वाले पार्ट पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है एंड नीचे वाले पार्ट पे वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि हमने विंग का शेप उसी तरीके से डिज़ाइन किया है। कभी भी आप एरोप्लेन को ध्यान से देखेंगे, उसका विंग्स फ्लैट नहीं होता। सिमिलरली बर्ड्स का विंग भी फ्लैट नहीं होता, वो एरोफॉइल शेप का ही होता है। तो दोस्तों, जब नीचे वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, जो हमने बर्नौली के थ्योरम में देखा। तो जब नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा विंग के और ऊपर प्रेशर कम होगा, तो एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलेगा नीचे के प्रेशर के कारण। समझा? नीचे वेलोसिटी कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। आपने देखा होगा, कभी भी एरोप्लेन टेक ऑफ करने के पहले रनवे पे बहुत स्पीड से मूव करता है। दोस्तों, क्यों इतने स्पीड से रनवे पे मूव करता है? उसका रीज़न है, वो एक वेलोसिटी अचीव करना चाह रहा है जिससे नीचे का प्रेशर बढ़े और उसको एक लिफ्ट प्रोवाइड हो। देखते हैं एरोप्लेन पे कौन कौन से फोर्सेस एप्लीकेबल हैं। थ्रस्ट फोर्स, जो कि प्रोपेलर से मिलता है, ओके। सेकंड इज वेट, वेट एरोप्लेन का वेट प्लस उसमें पैसेंजर्स है उनका वेट और जो लगेज है। थर्ड इज लिफ्ट, लिफ्ट वो फोर्स है जो प्रेशर डिफरेंस के कारण क्रिएट हो रहा है, ओके। जो नीचे से प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है और ऊपर विंग के ऊपर प्रेशर कम है, उनका डिफरेंस से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो लिफ्ट है। एंड फोर्थ इज ड्रैग, जो एयर की फ्रिक्शन के कारण जो क्रिएट हो रहा है वो ड्रैग फोर्स है। दोस्तों, जैसे ही जो लिफ्ट फोर्स है वो प्लेन के वेट से ज़्यादा होगा, प्लेन टेक ऑफ कर जाएगा। तो यही मैकेनिज्म है कैसे प्लेन इतनी हाइट पे उड़ पाता है, क्योंकि उसका जो लिफ्ट फोर्स है उसके वेट से ज़्यादा हो जाता है। सिमिलरली जब उसे लैंड करना है, तब वो अपना लिफ्टिंग फोर्स कम करता है विंग्स के मूवमेंट से, और वेट ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे ज़मीन पे आके लैंड कर देता है। इसीलिए हमें कभी भी फ्लाइट में एक लिमिटेड लगेज कैरी करने की ही परमिशन मिलती है। अब देख लेते हैं एरोप्लेन के विंग्स। हाँ दोस्तों, एरोप्लेन के विंग्स मूव करते हैं। कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो उनमें मोशंस होते हैं। आपने देखा है एरोप्लेन कैसे टर्न करता है, कैसे वो टेक ऑफ करता है एंड कैसे लैंडिंग करता है। पूरा उसका मैकेनिज्म उसके विंग्स में है, उसके विंग्स के मोशन पे है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे विंग्स के मोशन पे प्लेन का मोशन डिसाइड होता है। यदि विंग की टेल नीचे डिप होगी, मतलब उसको ज़्यादा लिफ्ट मिलेगा, ठीक है। यदि टेल डिप हो रही है, मतलब उसको ज़्यादा लिफ्ट मिलेगा। यदि उसकी टेल अप जा रही है तो उसे लैंडिंग करना है। हाँ दोस्तों, ये था साइंस बिहाइंड द फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन।
कैसे उड़ता है, कैसे लैंड करता है, कैसे टेक ऑफ होता है, क्यों रनवे पे इतने स्पीड से आता है प्लेन, तो ये सब रीजंस था। बने रहिए हमारे साथ हर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।